बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो 11 की स्टेटमेंट है वाइचिंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन वाइचिंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन वाइचिंग्स। और जो है 29 इयर्स ओल्डर हैं वाइचिंग से। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 इयर्स। सभी की एज का सम जो है वो हमारे पास 135 इयर्स है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो हमने सभी की एज निकालनी है। किसकी? वाइचिंग्स की। वाइचिंग्स फादर की निकालनी है, वाइचिंग्स ग्रैंडफादर्स की निकालनी है। तो हम मान लेंगे लेट वाइचिंग्स एज इज इक्वल टू एक्स इयर्स एंड वाइचिंग्स फादर्स एज, एज क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स प्लस। अब वाइचिंग्स से जो है उसके फादर 29 इयर्स ओल्डर हैं, बड़े हैं, तो क्या आ जाएगी इसकी एक्स प्लस 29 इयर्स। तो वाइचिंग्स फादर्स एज क्या आ गई हमारे पास एक्स प्लस 29 इयर्स। अब हमने सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री, जो हमारे पास तीनों की एज का सम है वो सम, बिकॉज सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री इज इक्वल टू 135 इयर्स है। सो देयरफॉर एज वाइचिंग्स ग्रैंडफादर सेज इज इक्वल टू, अब हम जो टोटल एज है उसमें से वाइचिंग की एज को लेस करेंगे और साथ में वाइचिंग्स जो फादर है, वाइचिंग के फादर की एज है उसको लेस करेंगे। सो 135 माइनस 2x प्लस 29, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टेट, चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, इज इक्वल टू 135 माइनस 2x प्लस 29। अब 135 में से 20 दोनों को प्लस करेंगे हम, साइन इज माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये साइन हमारे पास आ गया माइनस के 29। तो हमने यहां से 135 में से 29 लेस करने हैं, 15 में से 9 लेस करेंगे 6, ये 2, 2 में से 2 0 एंड 1, 106 माइनस 2x, दिस इक्वेशन नंबर 1। तो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब हम इसके जो स्टेटमेंट में दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे वाइचिंग्स ग्रैंडफादर की एज क्या है। सो वाइचिंग्स ग्रैंडफादर एज, अब इसमें क्या हो रहा है कि वाइचिंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर, मीन्स 26 ईयर यंगर्स देन वाइचिंग्स ग्रैंडफादर। वाइचिंग्स से ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, तो वाइचिंग्स ग्रैंडफादर की एज क्या हो गई हमारे पास, वाइचिंग्स की फादर की एज में हम क्या करेंगे 26 ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 29 वाइचिंग्स फादर की एज आ गई। अब 20 जो वाइचिंग्स के फादर हैं वो 26 ईयर छोटे हैं, तो हमारे पास ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी प्लस 26। So, 96x प्लस 9 प्लस 6 15, 2 टू 4 वन 5, ये आगे हमारे पास इस इयर्स इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 55 इज इक्वल टू, 1 में हमारे पास 106 माइनस 2x, That implies transposing minus 2x to the left hand side, it becomes plus 2x.
एंड ट्रांसपोजिंग प्लस 15 टू द राइट हैंड साइड इट बिकम्स माइनस 55. सो दैट इम्प्लाइज x प्लस 2x इज इक्वल टू 106 में से 55 लेस करेंगे, 6 में से 5 लेस किए 1, 10 में से 5 लेस किए 5. तो हमारे पास क्या आ गई है 51. सो दैट इम्प्लाइज 2x plus x 3x इज इक्वल टू 51. सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 51/3. 3 1 जा 3 21 3 7 जा 21. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 17. तो हमारे पास देयरफॉर वाइचिंग सेज वाइचिंग्स फादर सेज इज इक्वल टू 17 plus 29 9 plus 7 16 2 3 1 46 years. नेक्स्ट है हमारे पास वाइचिंग्स ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 55. 17 plus 55 इज इक्वल टू 7 plus 5 12 16 172 years. सो दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 है, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, बट इज रवि's प्रेजेंट एज. सो लेट रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स इयर्स. आफ्टर 15 इयर्स रवि's एज हमारे पास क्या हो जाएगी एक्स प्लस 15 इयर्स. 15 इयर्स के बाद क्या हो जाएगी हमारे पास एक्स प्लस 15 इयर्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. 15 साल बाद जो है रवि की एज क्या हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की 4 गुना 4 इंटू एक्स. तो प्रेजेंट एज क्या हमारे पास एक्स है और आफ्टर 15 ईयर एज इज एक्स प्लस 15 है. सॉल्विंग एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 4x. So that implies x minus 4x is equal to minus 15. Transposing 4x to the left hand side, it becomes minus 4x. And transposing plus 15 to the right hand side, it becomes minus 15. So that implies minus 3x is equal to minus 15. That implies x is equal to minus 15/3. Minus 3. 3 5s are 15. Minus minus cancel हो जाएंगे हमारे पास. X is equal to 5. So therefore Ravi's present is 5 years. Next question, question number 13. Solution. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get minus 7/12. What is the number? So let rational number is equal to P/Q. According to question, rational number is multiply by 5/2 and add 2/3, you get minus 7/12 on solving. So that implies P/Q into 5/2 is equal to minus 7/12. Transposing 2/3 to the right hand side, it becomes minus 2/3. So that implies P/Q into 5/2 is equal to, taking LCM is 12. So minus 7, 3 4s are 12, minus 8. So that implies P
पी पॉन क्यू इंटू फाइव पॉन टू इज इक्वल टू माइनस 15/12. सो दैट इंप्लाइज पी अपॉन क्यू, ये आपस में मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाते हैं साइन मल्टीप्लाई का. 2/5, 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 2 6, आंसर इज -1/2. दिस इज आंसर. बच्चों कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.